अथ द्वितीय अध्याय। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। सूत उवाच। पानी सा पामा कर ससानी नीरे नीरे पापा मा मगरे निशासा व्याकर्ण वचस्तस्य नमिषारण्यवासिनः अप्रच्छच मुनिश्रेष्ठ कथं पाप प्रणशिनि। सूत जी बोले, हे नमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद उवाच। विधे विधे महाभाग कथां शंभो शुभवहम् श्रीमन भवन मुखान भोजन कृतोस्मि महाप्रभो। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभो, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। अतः कथय तत्सर्वं शिवस्य चरितं शुभम सती कीर्त्यन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत् हे विश्व सृष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याण में तथा दिव्य संपूर्ण चरित्र को कहिए। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। दक्ष कोपेन चक्र देहा सती पुरा हिमवतन या जाता भूयो वाकश मागता। पूर्व काल में सती के दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग हुआ, पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वत्याश्च तपोत्युग्रम विवाहश्च कथं प्रभु कथमर्थ शरीरस्था बभूव स्मरणाशिनः। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। एतत् सर्वं समाचक्षु विस्तरेण महामते नान्योऽस्ति संशये क्षेता प्रसन्नो भविष्यति। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और न ही होगा। ब्रह्मा वाच। श्रीणु त्वं च मुने सर्वं सती शिव यश शुभम पावनं परमं दिव्यं गुह्या गुह्या तमं परम एतक्षं भूपुरो वाच भक्तवर्य विष्णवे मुनि। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य और गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्त वर विष्णु से इसका वर्णन किया था। ततः सोऽपि मया पृष्टो विष्णु शैव वर सुधी हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः अरूपः शक्तिरहितश्चिन्मात्रः सदसर्पः अभवत्स गुणसोऽपि द्विरूपः शक्तिमान् प्रभुः स
असमो दिव्यकृति विप्रह निर्विकारी परपरम। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प रूपहीन शक्ति से रहित चिन्मात्र एवं सत असत से परे थे, फिर हे विप्र वे प्रभु सगुण द्विरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकृति वाले विकार रहित तथा परात्पर हो गए। तस्य वामं गजो विष्णु ममाहं दक्षिणं गज रुद्रो हृदयतो जातो भवच्चामुनि सत्तम सृष्टिकर्ता भवं ब्रह्म विष्णु पालन कारकः लयकर्ता स्वयं रुद्रस्त्रिधा भूत सदशिव। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले और रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के तीन रूप हुए। तमेवाहं समाराध्य ब्रह्मलोक पितामह प्रजा सर्ज सर्वास्ता सुरासुर नरार्दिता सृष्ट्वा प्रजापतीन् दक्ष प्रमुखान् सुर सत्तमान् अमन्यं सुप्रसन्नोऽहं निजं सर्वमहोन्नतम्। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव दैत्य और मनुष्य आदि सब प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। वशिष्ठं नारदं दक्षं भृगुं चेति महाप्रभु ब्रह्माहं मनसां पुत्रं सर्जं च यदा मुने तदा मन्मनसो जाता चारुरूपा वरंगना। हे मुने, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि अत्रि कुलह कुलत् अंगिरा कृतु वशिष्ठ नारद दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। नाम्ना संध्या दिवाक्षांत स्वयं संध्या जपंतिका अतीव सुंदरी शुभ्र मुनि चेतो मोहिनी। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई जो प्रातः संध्या एवं सांध संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंतिका कही गई। वह अत्यंत सुंदरी और सुंदर भावों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। नतादर्शी देवलोक नमन्त्रे नरसातले कालत्रये नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक मृत्यु लोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई है, न है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। दृष्ट्वाहं तं समुत्थाय चिन्तयन् हृद्गतं दक्षादयश्च श्रेष्ठारो मरिश्चात्यस्मत्सुतः एवं चिन्तयतो मे हि ब्रह्माणो मुनिसत्तम मानस पुरुषो मंजुरा विभूतो महाभूत। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इसी प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। कांचनी कृत जाता लग्न भ्रूयुगलोलोल पूर्ण चंद्र निभानन कपटायत सत्वक्षो रोम राजीव विराजित अप्रीमातं काकार पिनो नील सुवसक आरक्त पाणी नयन मुख पाद करुभव क्षीण मध्यश्चारुदंत प्रमत गज गंधन प्रफुल्ल पद पत्राक्ष केसरखण अर्पण कम्बुग्रीवो मीन केतु कांशुमकर वाहन पंच पुष्पायुधो वेगी पुष्पको दंड मंडित कंटकटक्ष पातेन रमयन जनद्वयम् सुगंधि मरुतो तात श्रृंगार सेवित। हेतात वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला स्थूल वक्षस्थल वाला सुंदर नासिका वाला सुंदर तथा गोल
उरु कमर जंगा वाला काले तथा घुंघराले बालों वाला आपस में मिली हुई भौहों वाला पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला रोमराजी से सुशोभित बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला महास्थूल तथा नीलवर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए रक्तवर्ण के हाथ नेत्र मुख पैर और अंगुलियों वाला पतली कमर वाला सुंदर दांतों वाला मतवाले हाथी की सी गंध वाला खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला शंख के समान गर्दन वाला मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला पुष्पों के पांच वाणों से युक्त वेगवान पुष्प धनुष से सुशोभित कटाक्ष पात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला सुगंधित स्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया, एतात उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष श्रेष्ठा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष उवाच, किंकरिष्यम्यहं कर्म ब्रह्मास्तत्र नियोजनम् मान्योऽद्य पुरुषो यस्मादुचितशोभितो विधे। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे जो कर्ण करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च या मम तन्मेव त्रिलोकेश त्वं श्रेष्ठा जगदम्पति। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्म उवाच, एवं तस्य वचन श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किञ्चित् प्रोवाच सशिष्टाचादि विस्मितः अतो मन सुसंयम्य सम्यगुत्सृज विस्मयम् अवोचत् पुरुषं ब्रह्म तत्कामं च समवहम्। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्म उवाच, अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्प बाणश पंचभिः मोहयन् पुरुषान् स्त्रींश्च पुरुषेष्टिं सनातनी अस्मिन् जीवश देवाद्य त्रैलोक्ये सचराचरे एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमास्तव्यं। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के पांच बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। अहम् वा वासुदेवो सणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारितम्। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे, अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या। प्रच्छन्न रूप जन्तूनां प्रविशन् हृदयं सदा सुखहेतु स्वयं भूत्वा सृष्टिं कुरु सनातनी। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख का कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। पुष्पवर्णस्य सदा सुखं लक्ष्यम् अनुद्भुतम् सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मद गर्भवान्। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्पवाणों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा, तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। इति ते कर्म कथितं सृष्टि प्रावर्तकं पुनः न मन्ये ते वदिष्यन्ति सुतमेतं तत्त्वतः। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया, यह मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्म उवाच, इत्युक्ताहं सुरश्रेष्ठ त्वसुतानां मुखानि च
आलोक्य स्वसने पादे प्रपवेष्टो ओम क्षणम। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों की मुख को देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे काम प्रादुर्भावो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रादुर्भाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।